दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और महेंद्र सिंह धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों केएल राहुल के साथ सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक चौके और छक्के जड़कर आज सबके होश उड़ा के रख दिए। कैसे इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर द्रविड़, रोहित और कोहली भी दंग रह गए। आपको उनकी बैटिंग का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार समय का चक्कर वहीं आकर खड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम अपना लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ एमसीजी के उसी ऐतिहासिक मैदान में खेल रही है, जहां पर हमने पाकिस्तान की टीम को हराकर श्री गणेश किया था इस वर्ल्ड कप का। खैर दोस्तों मैच शुरू होता है, रोहित शर्मा इस बार भी टॉस जीते और पहले बल्लेबाजी ही चुनते हैं। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत कुछ ज्यादा बहुत तगड़ी तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक रहती है। रोहित शर्मा ज्यादा बड़े शॉट लगा नहीं रहे थे, लेकिन केएल राहुल दूसरे छोर से लगातार चौके और छक्के लगाते चले गए। दोस्तों पहला ओवर तो मेडन ही चला गया था, जिसमें रोहित शर्मा ने बिल्कुल भी शॉट नहीं लगाए। अगले ओवर में रोहित ने एक चौका जरूर लगाया था, लेकिन उसके बाद केएल राहुल ने नगारवा को छक्का चढ़कर सारा प्रेशर अपने सर पे से उतार दिया। इसके बाद दोस्तों गेंदबाज मुजरबानी जब आए तो उनके सामने रोहित तैनात थे। दोस्तों रोहित का विकेट लेने के लिए उन्होंने हर एक पैंतरा अपनाया, लेकिन रोहित उन्हें भी चौका लगा चुके थे। हालांकि उन्हीं की गेंद पर रोहित फिर 15 रन पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। लेकिन दोस्तों रोहित के आउट होते ही मानो कोहली के मैदान में आने का इंतजार ही कर रहे थे केएल राहुल, और उसके बाद तो केएल राहुल ने ऐसी जोरदार धमाकेदार पारी खेली के देखकर हर कोई दंग रह गया। दोस्तों केएल राहुल ने थोड़ा वक्त जरूर लिया, लेकिन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी नहीं छोड़ी। चौके और छक्के जड़ते हुए दोस्तों केएल राहुल फिर मात्र 21 गेंदों के अंदर 40 रन तक पहुंच चुके थे। इस बीच विराट कोहली ने भी उनका साथ दिया, अपनी पारी में लगभग 25 रन तो बना ही दिए थे। लेकिन दोस्तों फिर कोहली का भी विकेट गिर गया, लेकिन मैदान में एक मजबूत स्तंभ की तरह आज डट गए थे केएल राहुल, और भारतीय क्रिकेट टीम के लिए फिर ऐसी पारी खेली कि हर किसी ने उन्हें याद किया। दोस्तों कोहली के आउट होने के बाद सीधा सिकंदर अजा को बुलाया गया, इस सोच से कि केएल राहुल का विकेट गिर जाएगा, लेकिन केएल राहुल तो केएल राहुल हैं। उन्होंने तो दोस्तों उल्टा सिकंदर अजा के आते ही एक ऐसा शॉट खेला, एक ऐसे उम्दा तरीके से अपना पचासा पूरा किया कि हर किसी को याद रहेगा। 213वें ओवर की इस पहली गेंद पर, जो कि आउटसाइड ऑफ स्टंप को टारगेट कर रही थी, उस पर ही केएल राहुल ने बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ से एक शानदार शॉट खेला और ये क्लासी शॉट कब छक्के में तब्दील हो गया किसी को पता ही नहीं चला। और इसी से दोस्तों केएल राहुल का ये तूफानी पचासा भी पूरा हो गया मात्र 34 गेंदों के अंदर। केएल राहुल की ये तूफानी पारी भारत को 100 के पार बड़ी आसानी से पहुंचा चुकी थी। हालांकि दोस्तों इसके तुरंत बाद ही केएल भी आउट हो गए और बल्लेबाजी का तारुमदार आ गया। सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत और पांड्या जैसे खिलाड़ियों के हाथों में जिन्होंने भी निराश नहीं किया और तेजी से चौके व छक्के जड़ते हुए ये भी हमारे देश को 150 तक उसके पार ही ले गए। दोस्तों वाकई में आज केएल राहुल ने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया, साथ ही साथ कोहली ने भी उनका साथ दिया, रोहित ने भी ठीक ठाक बैटिंग करी और सूर्य पंत का तो क्या ही कहना। लेकिन दोस्तों खास तौर पर सूर्य कुमार यादव ने जब बल्लेबाजी का मोर्चा अपने हाथ में लिया तो कुछ इस तरीके से गाड़ी दौड़ गई भारतीय क्रिकेट टीम की, देख करके आप भी उन्हें सलाम कर जाएंगे। दोस्तों जहां रोहित और पंत जैसे नाम फ्लॉप होकर गए तो सूर्य सबका हिसाब पूरा कर गए। 18 गेंदों के अंदर 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 2 गगनचुंबी छक्के और 3 शानदार चौकों की मदद से इस खिलाड़ी ने 218 गेंदों में ही 37 रन जड़ दिए थे। आगे चलकर एक और चौका इन्होंने अपनी पारी में जोड़ दिया था और अर्धशतक के बेहद ही करीब पहुंच गए थे सूर्या। लेकिन दोस्तों इसी पारी के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 170 के आसपास भी पहुंच पाया और वाकई में सूर्य ने एक बार फिर से एमसीजी के मैदान में भारत का सूर्य उदय करा दिया। दोस्तों सूर्य और केएल राहुल की बल्लेबाजी के दम पर आज जिम्बाब्वे को तहस नहस कर दिया बल्लेबाजी यूनिट ने हमारी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, सूर्य, केएल राहुल और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।